बीच एशिया कप की एक बड़े खबर आई। लंबे समय से एशिया कप के विवादों को घेरा हुआ था। मसला है कि उसका वेन्यू कहां खेला जाएगा एशिया कप 2023। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट हो पाकिस्तान में। जब इंडियन वाले से पूछा गया तो आप लोग वहां खेलना चाहेंगे, जवाब काफी सिंपल था, नहीं। जी हाँ, फिलहाल तो ऐसी खबरें आ रही है कि जिसे देखकर पाकिस्तान की एशिया कप होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि बीसीसीआई जैसा ने पहले ही बात को साफ कर दिया है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में होगा तो टीम इंडिया एशिया कप में भाग नहीं लेगी। बीसीसीआई के सचिव जैसा की बात को एशियन क्रिकेट काउंसिल काफी गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं। 4 फरवरी को एशियन क्रिकेट काउंसिल इस मुद्दे पे मीटिंग भी करेगी। क्या ये मीटिंग भारत के पक्ष में जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। अब भाई हाँ, और इसका हाँ के पीछे 2 वजह है। पहला, भारत जैसे मजबूत क्रिकेट देश से एशियन क्रिकेट काउंसिल कराना नहीं चाहेगी, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा क्रिकेट का लोकप्रियता है। एसीसी के प्रेसिडेंट खुद जय शाह ही है, इसलिए जो मोटा भाई चाहेंगे वही होगा। और वैसे भी पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर पाएगी ये कोई नहीं जानता। ये तो थी सेकेंडरी बातें। प्राइमरी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर जाना ही नहीं चाहती है। ऐसे में अब एक नए वेन्यू की तलाश है। एशियन क्रिकेट काउंसिल 4 फरवरी को मीटिंग करेगी, एशिया कप की वेन्यू पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले साल 2018 में भी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से छीनने गई थी, यही चर्चा चल रहा था। जैसा आईसीसी के अध्यक्ष भी थे, जैसा आईसीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में उनका इस साल वेन्यू बदलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेचैनी बढ़ गई है, जिसके बाद उस समय के पीसीबी के चेयरमैन रमेश राजा ने हताशा में बीसीसीआई को धमकी तक दे दी। उन्होंने कहा कि अगर टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी डीआई वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। एशिया कप को कहीं और शिफ्ट करने की स्थिति में हम टूर्नामेंट का बहिष्कार करेंगे। हालांकि इसके बाद रमेश राजा ज्यादा दिन तक सीबी के कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। पाकिस्तान सरकार ने उनकी जगह नसीम सेठी को चेयरमैन पर बैठा दिया। नया पीसीबी के चेयरमैन ने बताया कि एसीसी की मीटिंग 4 फरवरी को होनी है। अगर इसमें हल नहीं निकलेगा तो आईसीसी का बैठक मार्च में होने वाले हैं। बैठक में हम इस मुद्दे का उठाएंगे। पीसीबी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट होना बहुत जरूरी है, दोनों तरफ के आवाम भी यही चाहते हैं। कुछ दिन पहले जय शाह ने ट्वीट करके शेड्यूल भेजा था एशिया कप का, जिसमें भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि टीम इंडिया को पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।